शॉपकीपर चला गया, ये अभी किसी नौकर ने ये खोल दिया। दो चार फुट अंदर आने के बाद में वो सेंस कर लेगा मुझे। ये देखिए, इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, ये बंद। देखिए, जैसे ही कोई अभी दीवार तोड़कर या फिर छत तोड़ के आए, देखिए आपका सायरन बज गया। ये आपकी दुकान कहीं पर भी हो और आप कहीं पर भी हो तो आप उसको वहीं से बैठे बैठे लॉक अनलॉक कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हे मुंबई। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ एनडी एंटरप्राइजेस थिंक एक्स टेक्नोलॉजी। आपको पता है आज भी चारों ओर चोरियों का भय हमेशा लोगों के मन में रहता है। हजारों लाखों के सीसीटीवी कैमरा लगाने के बावजूद भी लोग चैन की नींद सो नहीं पाते, क्योंकि वो लोग हमेशा अपने जो भी प्रोडक्ट रहता है, माल रहते हैं, हमेशा उस टेंशन में रहते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम है मार्केट में आया है जो आप मतलब आराम से अपने घर पे सो सको चैन की नींद? हम लोग मिलते हैं एनडी एंटरप्राइजेस के ओनर से, श्री रवि जी से, जिनसे बात करेंगे इनके नए टेक्नोलॉजी के बारे में। मुझे तो लगता नहीं अभी तक ये टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को ज़्यादा पता है, क्योंकि अभी भी लोग सीसीटीवी कैमरा लगा लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं। मार्केट में अभी भी बहुत सारी चोरियाँ होती है, ज्वेलरी शॉप में भी बहुत वो लोग खर्चा करते तो भी चोरियाँ हो रही है। तो क्या बताना चाहोगे? देखिए, आज की डेट में लोगों की शॉप में, ज्वेलरी शॉप में, मोबाइल शॉप में लाखों करोड़ की माल स्टॉक उनका होता है। दिन में तो खैर सीसीटीवी लगे रहते हैं और मॉनिटरिंग चालू रहती है उस समय, तो उस समय अगर कोई इंस्टेंट लाइव आ जाता है तो उस समय पकड़ा जाता है। लेकिन रात के समय जब शॉपकीपर अपनी शॉप बंद करके चला जाता है, उसके बाद वो घर पे जाके चैन की नींद नहीं सो पाता, क्योंकि 10-20-50 लाख का माल पड़ा रहता है। बस तो उसको इतना ही सहारा होता है कि मेरे दुकान में लाखों रुपए के सीसीटीवी है, अगर कोई चोर आ जाएगा तो फुटेज में आ जाएगा। लेकिन आज की डेट में चोर इतने एडवांस हो चुके हैं, क्या पहले तो आपका बिजली कनेक्शन काट सकते हैं, राइट? उसके बाद में नकाब तो पहन के आते ही है, बराबर। नौसिखिया रहेगा तो अलग बात है, ये तो बहुत कॉमन है। उसके बावजूद भी पहले तो डीवीआर शो थे, कैमरे का डीवीआर मेन मशीन कहाँ पर है, राइट? अगर उसी को अगर उसी ने गायब कर दिया तो मुझे बताइए आपकी दुकान की सिक्योरिटी कहाँ तक पॉसिबल, बराबर। पर आपको लगता है कि ये जो आपका सिस्टम है लोगों तक अभी तक पहुंच पाया है? बिल्कुल, ये भारत में आके तकरीबन 3 साल हो गए, महाराष्ट्र में भी फर्स्ट टाइम मैं लेके आया हूँ। और हमारी थिंकएक्स टेक्नोलॉजी कंपनी ये राजकोट गुजरात में है, जो हमारे मित्र ने शुरुआत की और पूरा मार्केटिंग का भी जिम्मा उन्होंने महाराष्ट्र का मेरे पे दिया हुआ है। तो अभी जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, लेकिन ये चीज आज की डेट में ऐसी है कि लोगों को कुछ भी पता नहीं इसके बारे में। लोगों को इतना पता है कि मुझे 10 कैमरे, 20 कैमरे, 4 कैमरे दुकान में सेट करने हैं और मुझे निश्चिंत हो जाना, बराबर। यही बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ये सिस्टम के बारे में, तो आपके जरिए मेरे व्यूअर्स को काफी फायदा होने वाला है। देखिए, हमारा मेन इंटेंशन क्या होता है, चोरों को भगाना, बराबर, और उसी समय दुकान मालिक को जगाना, राइट? बहुत अच्छा। अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझो आप किसी की दुकान में चोरी हो रही है, आप ही मालिक हो, आपके दुकान में चोरी हो रही है, आप निश्चिंत घर में सो रहे हो, ठीक है, उसी समय रात को 2-3 बजे आपके दुकान में चोरी हो गई, शटर खोला गया, तोड़ा गया, या फिर छत तोड़ी गई, जैसे भी गैस कटर से काट के या सुरंग लगाकर या फिर दीवार काट कर तोड़ी गई, और जैसे ही चोर अंदर घुसता है उसी समय कोई शख्स ने चोरों को भगा भी दिया और आपको जगा भी दिया, उसी समय आपको कैसा लगेगा? मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी मैं आपको। तो ये काम आपके कैमरास कर सकते हैं, एक आदमी कर सकता है, वो है गार्ड। लेकिन आप सोचिए 2-4 चोर साथ में आ जाए, गार्ड को बांध के भी रख सकता है, वो भी बेहोश भी कर सकता है, ये भी होता है। हथियार उनके पास तो होते, बिना हथियार के तो आते नहीं है बिल्कुल। तो ये पोजीशन में गार्ड भी 99% फेलियर हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो डिवाइस है इतना ऑनेस्ट है, एक चोर आए या 10 चोर आए, वो किसी से डरता नहीं है। अरे वाह, जैसे ही चोर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, चोरी के ये 6 तरीके होते हैं। अच्छा। किसी भी दुकान में, गोडाउन में, वेयर हाउस में, या फिर मोबाइल शॉप में, या फिर आपके ज्वेलरी शॉप में, 6 तरीके से ही चोरी होती है। 7वां तरीका अगर आपको याद होता हो तो मुझे बता दीजिए, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है। पहला तरीका जो है, शटर का ताला तोड़कर, बराबर, ये कॉमन है, ये कॉमनली, बराबर। दूसरा, 2-3 लोग वो रॉड डाल के शटर को यूं उठा लेते हैं, राइट, बराबर। तीसरा तरीका, भाई कहीं शो भी न हो तो गैस कटर से काट देते हैं, बराबर, बराबर है, बराबर। ये 3 तरीके हो गए, ये तो पता। चौथा तरीका जो शोर है, दीवार को छेद करके, जो सेंध लगाना बोलते हैं, दीवार में छेद करते हैं, अच्छा, ग्रिल तोड़ के आते हैं, बराबर। पत्रे का स्लैब है या ऊपर कच्ची शेड है तो पत्रे तोड़ के आते हैं, स्लैब है मुमकिन नहीं है, लेकिन ईंटों की दीवार तोड़ी जा सकती है, कंक्रीट नहीं टूटता है, नहीं टूटता। इसके अलावा कोई भी नहीं। हाँ, इससे भी बड़ी जो बैंक वगैरह में, बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप में जो चोरियां हुई है, एक और तरीका है छठा, वो छठा तरीका है सुरंग लगाकर, सुरंग से, बराबर। इसके अलावा कोई तरीका नहीं, राइट। मैं आपको गारंटेड कहता हूँ, कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, हमारा ये ऐसा गार्ड है
ये छह तरीके में से किन्हीं एक तरीके में से भी अगर चोर एंट्री करता है, चाहे वो शटर का ताला तोड़ा हो या रॉड से शटर उठाया हो, गैस कटर से शटर को काटा हो, दीवार में होल किया हो, छत काट के आया हो, किसी भी तरह आया हो, तो उसको हमारा डिवाइस जो है उस चोर को डिटेक्ट करेगा, उसी समय इतने जोर से सायरन करेगा। चोर जो है ना, आपको ऑनेस्टली कहता हूँ, बहुत शांति प्रिय इंसान है वो, किसी एक बंदे की व्यवहार सुने का चोर 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 तो दो चार चोर वहां से रफू चक्कर हो जाएंगे। उसको पता है कि अब ये शोर की वजह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और हमारी हड्डी पस लिया, तो पहले अभी चोरी को छोड़ के वो पहले अपनी जान बचाएगा, पहले तो भागेगा। अभी हमारा सिस्टम दूसरा काम क्या करता है, क्या विद इन 30 सेकंड, विद इन 30 सेकंड मालिक को फोन कर जाएगा उसके ऊपर, बराबर क्या उठिए, रिंग बजेगी, उठिए आपके दुकान में चोरी हो रही है। इन केस, और एक आगे की स्टेप बता रहा हूँ, इन केस वो मालिक बहुत रात को लेट नाइट आया हो या मोबाइल खराब हुआ हो, गलती से साइलेंट पे चला गया हो, बराबर तो वो सुन नहीं पाएगा। राइट, हमारे सिस्टम में 5 रजिस्टर मोबाइल कर सकती है, पहला तो मालिक, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा लगा। अगर वो सो गया है, नहीं उठा पा रहा है, अगर उसने रिंग बजने के बाद नहीं उठाया, तो फिर 30 सेकंड में सेकंड रजिस्टर नंबर पे कॉल चला जाएगा, बराबर। अभी ऐसा तो होगा नहीं, एक भी सोया है, दूसरा भी सोया है, तीसरा भी सोया, ऐसा तो होगा नहीं, 5 में से कोई तो कोई उठाएगा, बराबर। तो जैसे ही उस मालिक को पता चलता है क्या मेरे दुकान में चोरी हो रही है, तो सबसे पहले वो पुलिस को फोन करके, भैया पहुंच लीजिए, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, इंस्टेंट आप प्लीज पहुंचिए, मैं दुकान पे, फला फला जगह मेरी दुकान है, आप प्लीज जरा मुझे हेल्प कीजिए, तो वो पहुंच जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है, और आपको थोड़ा पीछे आके बता दूं, क्या वो सायरन की वजह से पहले ही चोर तो भाग चुके हैं, बराबर, वो तो है, सही बात है, वो सेफ हो चुका है, भले उसका शटर टूटा हुआ है, दीवार में होल है, शटर कट हो चुका है, लेकिन सायरन अभी भी बज रहा है, कोई दूसरा आदमी भी चोर अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा। जब तक वो मालिक अपने मोबाइल से कॉल करके सिस्टम ऑफ नहीं करेगा, तब तक सिस्टम ऑफ नहीं होगी। बहुत बढ़िया। और एक बात बताता हूँ आपको, समझो चोर अंदर आ गए, उनको डिवाइस में से जो शोर आ रही, सायरन आ रही है, बज रही है, तो उसको पहले तो क्या करेगा, उसको लगेगा कि मैं डिस्कनेक्ट कर दूं पावर डिवाइस की। चलो मान लिया उसने डिस्कनेक्ट कर दिया, बराबर, तो हमारे डिवाइस में 8 दिन का बैटरी बैकअप। अगर दुकानदार समझो 2-3 दिन भूल गया चार्जिंग करना वगैरह, भूल जाता है, तो उसके मोबाइल पे SMS भी आता है, बैटरी लो, 60% 40% 30% वगैरह वगैरह। काफी बढ़िया प्रोडक्ट है, मुझे तो काफी अच्छा लगा। तो किस तरह से आप प्रोवाइड करते हो ये सर्विस? ये जैसे अभी और ऐड के थ्रू, अभी जिन जिन जो लोग अलर्ट है, 0.2 या 3% ही, मतलब 1,000 में 2-3 लोग ही इसके बारे में अलर्ट है, अवेयरनेस है, लोगों को ये चीज पता नहीं है। लोगों को इतना पता है कि मेरी दुकान, घर के माल की, कैश की, अगर इसकी मेरे को सेफ्टी करनी है तो मुझे बस कैमरे लगाने हैं, कोई बड़ी ज्वेलरी शॉप है तो वहाँ पे 20,000 के गार्ड खड़े करने हैं, जो कि 40-50,000 उनको सैलरी चली जाती है। राइट। लेकिन हमारा अगर ये एक डिवाइस लगाते हो जिसकी कीमत मात्र आपको 5,000 से लेकर 12,000 तक है, ओनली सिर्फ 5 से लेकर 12, या बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा रीजनेबल है, मतलब बिल्कुल, और वो भी अच्छे से काम भी करते हैं। नहीं, आपका जो गार्ड है लाइफ टाइम आपसे सैलरी लेता रहेगा 10-20 हजार, ये आप 10-10 हजार एक बार लगा दो, 2 साल का कंपनी का वारंटी, 2 साल वारंटी देखने मिल जाता है, मतलब काफी बढ़िया प्रोडक्ट है और अमेजिंग है। इसका प्राइसेस मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब अमेजिंग प्राइसेस है। तो अगर आपको, अगर इनसे जुड़ना है, आपको इनकी सर्विस चाहिए ना, आपको स्क्रीन पे नंबर देखने मिल जाएगा, आप इजीली इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे जुड़ सकते हो, और जो भी सिक्योरिटी का है, आप आगे पूछताछ करना है, कुछ भी करना है, आपको ये आराम से गाइड करेंगे। राइट। और मैम एक बात और आपको मैं मेरे व्यापारी बंधुओं को बताना चाहूंगा, 100% जहाँ पे 100 चोरियां होती है, बराबर, तो उसमें से 10% चोरियां ये 8 से 10 दिन में पकड़ी जाती है, चोर फाइंड आउट होते, पुलिस वहां तक पहुंच पाती है। अभी पुलिस अपने प्रशासन के पास भी इतना मैन पावर है, इतने हार्ड वर्क करने के बाद में भी उनको डिफिकल्टी होती है। मतलब 100 में से 10% ही लोग जो है 10 दिन के भीतर पकड़े जाते हैं, उनका जो मुद्दे माल है उनके व्यापारी की किस्मत से वापस बरामद हो पाता है। लेकिन आप सोचिए, जो 90% जो चोर चोरी का माल है, इसको पकड़े जाने में 2 महीने 6 महीने साल भर भी लग जाते हैं। आप सोचिए, अगर 6 महीने साल भर अगर किसी के माल को बरामद होने में लग जाए, चोर को पकड़ने में अगर लग जाए, तो मेरे पास तो एक सवाल है, क्या वो अगर 10 लाख का माल उन्होंने चोरी किया है, तो पुलिस उससे कितने लाख का माल बरामद करेगी और व्यापारी को लौटा सकेगी? मुझे नहीं लगता 10 लाख में से कुछ 25,000 का भी माल वो उनको बरामद कर पाए। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, बराबर। तो कैमरे का मेन
यही एक डिफेक्ट है क्या? नहीं, फायदा है उसका, ये नहीं कहता हूँ। अगर समझो चोर आके आके अपनी सिस्टम के वजह से भाग के भी चले गए, लेकिन फेसिंग में आ गए, उनका बॉडी स्ट्रक्चर उनको समझ में आ गया, तो कैमरा वो चोरों तक पहुंच सकता है। तो मुझे बताइए ना, जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं और आपका सिस्टम है, उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या रहेगा? मैडम हंसने की बात तो ये है, कैमरा होता है ना बराबर, सिर्फ उसकी आंखें होती है, लेकिन वो गूंगा और बहरा होता है। बराबर, ये तो आपने सही बोले। उसकी आंखें तो होती है लेकिन वो गूंगा और बहरा होता है। राइट राइट राइट। कैमरा सिर्फ चोरों को फुटेज इकट्ठा करेगा, नसीब से अगर डीवीआर अगर पावर कनेक्शन कट नहीं हुआ तो, इसके माइनस पॉइंट भी है। हाँ। नहीं किया तो सिर्फ वो कैसा गूंगा बहरा है, ना बोलेगा ना सुनेगा, ठीक है, सिर्फ उसकी फोटो कैप्चर करेगा और स्टोर करेगा। लेकिन हमारी सिस्टम ये चोरों को भगाएगी भी और जस्ट विद इन 30 सेकेंड दुकान मालिक को जगाएगी भी कि आपके दुकान पे चोरी हुई। बस ये फर्क है, और ये मुझे नहीं लगता ये कोई माइनर फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। और प्राइस की दृष्टि से आप देखा जाएंगे तो मिनिमम अगर 4-8 कैमरे भी लगते तो मिनिमम 50,000 का खर्चा हो जाता है, आराम से हो जाता है। फिर भी चोरों को भगाने की और माल को बचाने की कोई जिम्मा कैमरा लेता नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम आपकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी डेमो देने वाले हैं, तो आप मुझे डेमो दीजिए कि ये किस तरह से काम हो जाए, ताकि हमारे व्यूअर्स को अंदाजा आए और ये आपके सिस्टम को वो परचेस कर पाए। बिल्कुल मैम बिल्कुल, आपको प्रैक्टिकली डेमो दे देते हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है। अगर कोई ताला तोड़ के आता है, कोई शटर काट के आता है, या कोई दीवार में छेद करके आता है, या छत तोड़ के आता है, तो ये किसी भी तरह से आता है, तो हमारा सिस्टम किस तरह से प्रैक्टिकल होता है वो आपको सामने हम दिखाएंगे। आइए चलते हैं। देखिए अभी हमारा डिवाइस तो मेन डिवाइस यहाँ पर है, उसका एक छोटा यूनिट यहाँ पे शटर में फिट किया हुआ है, और उसका भी जो रॉड है वो भी एक्टिव पोजिशन में। अभी चोर जैसे ही आता है शटर को ताला तोड़ता है या रॉड से उठाकर शटर ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, तो उसी समय इसको ट्रिगर मिलेगा और वहां पे आपका सायरन चालू हो जाएगा। विद इन 30 सेकेंड शॉपकीपर को कॉल चली जाएगी, भाई आपके शॉप पे चोरी हो रही है। देखिए खुला है ना, ये देखिए मैसेज आ गया, ये मैसेज, ये आ गई कॉल, शॉप पे चोरी, ये अच्छी कॉल आ गई। अभी आगे इसको अपने को कट करने के लिए एक प्रेस करना है, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया। अब मान लीजिए देखिए, पहले हमने अभी देखा कि शटर अगर तोड़ के आते हैं, ताला तोड़ के आते हैं या रॉड से उठा कर आते हैं, तो वैसे ही ये यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो सिग्नल इसको दे देगा। अगर ये नीचे ही अगर गैस कटर से काट के आते हैं तो ये ट्रिगर दे नहीं पाएगा, क्योंकि बकायदा नीचे लगा हुआ है। तो उस कंडीशन में फिर सेफ्टी क्या, तो उस समय भी ये अलार्म देगा। जैसे ही चोर 2-4 फुट अंदर आ जाएगा तो ये अलार्म देना शुरू करेगा। अभी देखिए जैसे मैं अंदर आऊंगा, 2-4 फुट अंदर आने के बाद में वो सेंस कर लेगा मुझे, ये देखिए। अच्छा ये देखिए मैसेज आ गया, ये मैसेज आ गया, शॉप पे चोरी, ये देखिए कॉल आ गया, शॉप पे चोरी। अभी ये तब तक बचता रहेगा जब तक तुम्हें डिस्कनेक्ट नहीं करो, मालिक आने तक ये बचता रहेगा, शॉप ओनर आने तक ये बचता रहेगा। इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, ये बंद। अभी मैं आपको अपने व्यापारी बंधुओं को अपना कैश बॉक्स जो होता है, शॉपकीपर होता है, उसका बैठने का चेयर रहता है, वहाँ पर उसका गल्ला रहता है, जिसको सामान्य भाषा में गल्ला बोलते हैं, कैश बॉक्स, जिसमें अपने डेली धंधे की उसकी जमा पूंजी जमा होती रहती है। तो ऐसे समय में समझो 2-3 बजे 4 बजे उसको कहीं जाना है और उसके कैश बॉक्स में 50,000-60,000-1,00,000 रुपया उसका धंधा हो गया है, अगर उस समय उसको कहीं 2-4-10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए जाना है, और उस समय उसके पास 2-4 नौकर तो होंगे, मैनेजर होगा, उसके जाने के बाद उसके एब्सेंस में अगर किसी नौकर ने या मैनेजर ने उसकी डुप्लीकेट चाबी अगर बना ली और 1,00,000 रुपए के कैश में से अगर रोजाना 2-4 हजार भी निकाल लेगा, तो शॉपकीपर है उसको टैली नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा सिस्टम, यहाँ पर देखिए सिस्टम लगे हुए हैं, यहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं, ये देखिए, ये जैसे ही ड्रावर कोई चाबी लगाकर खोलने की कोशिश करेगा तो उसी समय हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। आप अभी लाइव देखेंगे, मैं खोलता हूँ, ये अभी शॉपकीपर चला गया, ये अभी किसी नौकर ने ये खोल दिया, ये सायरन बजना शुरू हो गया। देखिए अब यहाँ पर मोबाइल पे पहले तो मैसेज आएगा, शॉप पे चोरी, हम तो 30 सेकेंड बोलते हैं लेकिन 10 सेकेंड 12 सेकेंड में ही कॉल आ गया।
अब इसको डीएक्टिव करना है तो मालिक ही कर पाएगा, जब तक वो मालिक नहीं आता है ये डीएक्टिव नहीं होगा, तो भी नहीं, अगर ये बंद भी करते हैं तो भी नहीं होगा कुछ, पैसे निकाल के बंद भी कर लिया तो भी नहीं होगा। अभी मैं एक दबाऊंगा तो बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात है, क्या आप मोबाइल से ऑपरेटिंग लॉक अनलॉक इसको भारतवर्ष में कहीं पर भी हो, चाहे कन्याकुमारी में हो चाहे कश्मीर में हो, आपकी दुकान कहीं पर भी हो और आप कहीं पर भी हो, तो आप उसको वहीं से बैठे बैठे लॉक अनलॉक कर सकते हो। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे अभी मैं ये कोई कैश बॉक्स खुलता है तो हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर कोई उसको तोड़ने की कोशिश करता है, कोई उसको तोड़ने की हथौड़े से छिन्नी से जिस तरीके से चोरियां करते उस तरीके से अगर थोड़ा भी उसमें वाइब्रेशन होता है तोड़ने की कोशिश करता है तो भी हमारा ये सिस्टम काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी ये लगा हुआ है यहाँ पर सेंसर, शॉप पे चोरी, अभी मैं एक दबाऊंगा तो बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया। जैसे अभी देखा आपने शटर के जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से अगर कोई आता है काट के या फिर तोड़ के या ताला तोड़ के, तो हमारा सिस्टम एक्टिव होके जिस तरह से सायरन बजाकर शॉपकीपर को जैसे अलर्ट कर देते हैं एसएमएस के द्वारा और फोन कॉल के द्वारा, मान लो शटर भी नहीं कटा आपका, गैस कटर से भी नहीं कटा, ताला भी नहीं टूटा, रॉड से भी नहीं उठा, शटर आपका पूरा का पूरा बंद है, दीवार से छेद करके या छत से कोई आता है, तो उस समय हमारे सिस्टम किस तरह से आपको सिक्योरिटी देगी ये भी आप देखेंगे। देखिए जैसे ही कोई अभी दीवार तोड़कर या फिर छत तोड़ के आए, देखिए आपका सायरन बज गया, ये सेंसर ने काम कर दिया अपना, शटर जबकि बंद है पूरा क्लोज है लॉक लगा हुआ है, छत तोड़ के आया है या दीवार को छेद करके आया है तो करे, ये देखिए कॉल भी आ गई, शॉप में चोरी, ये भी कॉल भी आ गई। अभी एक तब तक बचता रहेगा जब तक मालिक आके उसको बंद नहीं करेगा, तो कैमरे से सस्ता और कैमरे से बेहतर अगर ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपसे आपको इनसे जुड़कर डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप करना है, ओनली 50,000 में आप ये इनके साथ ये बिजनेस पे जुड़ सकते हो, बहुत ही अमेजिंग डील है आपके लिए। अगर आप सिंगल पीस भी घर बैठे मंगाना चाहते हो, ऑल ओवर इंडिया ये कुरियर भी करते हैं, तो अगेन मैं बोल दूंगी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस सिस्टम को रोज एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके अंदर ऑटो फीचर है, इसे आप वीकली डेली या 24 घंटे में कितने देर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट रखना है इसके फीचर में जाके चूज कर सकते हो। प्रिय मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और सच में आपका दिल खुश हुआ होगा ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट आज आपको देखने को सुनने को मिला है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए ताकि आपके व्यापारी मित्र भी इस सुरक्षा का लाभ उठा पाए। चलिए दोस्तों, एनडी एंटरप्राइजेस और थिंकेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ से रवि दव ने आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।